नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूँ पारुल त्यागी। मुजफ्फरनगर के एसडी गर्ल्स पीजी कॉलेज बुढ़ाना में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बीच तिहार जेल के जेलर दीपक शर्मा ने सैकड़ों छात्राओं को आत्म सुरक्षा के टिप्स दिए। जेलर दीपक शर्मा ने एक्ट्रेस ख्याति रघुवंशी के साथ रिबन काट कर समारोह का शुभारम्भ किया। इस दौरान छात्रों ने रंगारंग कार्यक्रम भी किए। बता दें, यहां पर छात्राओं द्वारा आर्ट गैलरी भी लगाई गई, जिसका अतिथियों ने अवलोकन किया। कार्यक्रम के आयोजक कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर दिनेश शर्मा द्वारा कार्यक्रम की सफलता पर सभी अतिथियों का आभार जताया गया। इस वक्त हम मैं मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में, और आज हमारे साथ हैं भारत की सबसे बड़ी जेल तिहाड़ जेल के जेलर दीपक शर्मा जी। दीपक शर्मा जी, आज बुढ़ाना पहुँचे हैं, क्या उद्देश्य है बुढ़ाना पहुँचने का? आज बुढ़ाना में श्री दिनेश शर्मा जी ने एस डी वुमेंस पी जी कॉलेज में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ थीम के तहत एक बहुत ही अच्छा अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया, जिसमें कि यहाँ की जो स्टूडेंट्स हैं, जो बेटियाँ हैं, उन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। उनका एक्सपोजर देखकर मुझे लगा कि जो हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, वो भी किसी एक स्ट्रीम लाइन से दूर नहीं है। उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस, बाकी चीज़ें मुझे यहाँ देखने को मिली, और मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कॉलेज मैनेजमेंट कमेटी से कि वो इसी तरीके के एक्सपोजर और प्लेटफॉर्म इन बेटियों को देते रहेंगे, और जिससे कि वो अपना खुद का एक जो डेवलपमेंट है वो तो करेंगी, साथ ही सोसाइटी के लिए, एक नेशन बिल्डिंग के लिए जितना उनका योगदान हो सकता है उसमें भी बढ़ चढ़ हिस्सा। सर, भारत में पहली बार किसी महिला को फांसी होने जा रही है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बात यहाँ एक मैं जेंडर न्यूट्रल की कहूँगा। जो क्राइम है, क्राइम हमेशा पे करता है, तो इसमें हम बायस ना हो कि वो एक फीमेल है, उसका जो क्राइम है वो बहुत ही हीनियस है, और रेयरस टू रेयर की कैटेगरी में हम इसको देख सकते हैं। तो एज पर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ, तो जो भी पनिशमेंट उसकी डिसाइड होती है वो उसको मिलनी चाहिए। सर, आज बड़े बड़े माफिया जेलों के अंदर है, लेकिन आरोप लगते आए हैं कि हमेशा बड़े माफिया जेल के अंदर से ही सक्रिय रहते हैं, कहीं ना कहीं अपना गैंग चलाते हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे, कितना सुधार हो पाया है? बात मैं ज़्यादा दूर की नहीं कहूँगा, तिहाड़ की अगर बात करें तो इस तरह की कोई भी एक्टिविटी हमारे नोटिस में आती है तो उसमें हम एक्शन लेते हैं, और हमसे जो बेस्ट एफर्ट्स हमारे और मेरे स्टाफ के, मेरी टीम के, मेरे सीनियर्स के जो भी बात है, हमने करने की कोशिश। ये थे हमारे साथ भारत की सबसे बड़ी जेल के जेलर दीपक शर्मा जी। इनसे हमने बातचीत की और बताया कि जो शबनम है उसको फांसी होने जा रही है, जैसा उनका जुर्म है वे माफ़ होनी नहीं चाहिए।